नए वीडियो में स्वागत है आपका। अभी श्रीकाकुलम होटल में हूँ और होटल से अभी ये नीचे का व्यू आप देख पा रहे हैं। ये इधर साथ ही चौक है और ये स्लीपर गाड़ी आई है और ये आप देखें पूरा यहाँ का व्यू। और यहाँ पर ये भगवान की मूर्ति है। तो आज हम यहाँ से उड़ीसा एंट्री करने वाले हैं। अभी ये आंध्र प्रदेश है। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करते रहें। अभी होटल से नीचे चलते हैं और आज का ये ट्रेन का सफ़र रहने वाला है। ट्रेन से हम यहाँ से भुवनेश्वर तक जाने वाले हैं। भुवनेश्वर यहाँ से तकरीबन 300-350 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक ट्रेन का सफ़र करने वाले हैं। ये हम आ गए हैं नीचे। अभी यहाँ से हम बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से बस से, क्योंकि यहाँ श्रीकाकुलम जो टाउन है यहाँ से रेलवे स्टेशन तकरीबन 15-16 किलोमीटर है, तो हम सिटी बस लोकल बस लेना पड़ेगा और वहाँ तक चलते हैं। और फिर वहाँ से ट्रेन हमारी 10 बजे की है। दो ट्रेनें हैं 10 बजे के करीब करीब, आधा घंटा के अंदर। तो हम वहाँ से फिर ट्रेन का सफ़र शुरू करेंगे। अभी तकरीबन 8:30 हो गए हैं, तो हमें वहाँ पहुँचना है और नाश्ता भी करना है, तो बने रहे पूरे वीडियो में। अभी बस का वेट कर रहा हूँ और ये भाई पुलिस वाले हैं यहाँ पर, जिनके हाथ में आप देखेंगे तो मोबाइल है और ये जो भी रॉन्ग खड़ा होता है उसकी फ़ोटो ले लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं। ये अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिला। ये देखिए आप, हाथ में मोबाइल है और उससे ये उसका प्रूफ ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, उसके फिर उसके नाम से फ़ाइन काट देगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक उसका फ़ाइन चला जाएगा। ये भाई मेरे पास में खड़े हैं, वो बता रहे हैं कैसा यहाँ पर सिस्टम है। मैं अभी बस के वेट के लिए हूँ, रेलवे स्टेशन हमें जाना है। और अभी ये श्रीकाकुलम का बस स्टैंड के बाहर का व्यू है। अभी हमें शेयरिंग का ऑटो मिला है, अभी हम यहाँ से निकल गए हैं बस स्टैंड पर। ये देखिए पीछे की तरफ सामान है और आप देखेंगे ये ऑटो है जिसमें 8-10 लोग को बिठा लेता है। और ये यहाँ का बस स्टैंड के बाहर का व्यू। ऑटो में हमें यहाँ बैठने की सीट मिली। ये हमारा रेलवे स्टेशन आ गया अभी। और ये श्रीकाकुलम का टिकट काउंटर, और ये यहाँ पर मशीन से टिकट मिल रही है। हमने मशीन से टिकट ले लिया भैया से। ये हमारी टिकट यहाँ से भुवनेश्वर की है, 117 रुपये की टिकट है। और अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमें जाना है और ट्रेन हमारी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और ये झंडा हमारा ऊँचा रहे इस वक्त, आइए। और ये यहाँ आपका स्वागत है। यहाँ से हमें 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है और ये हमारा 2 नंबर प्लेटफॉर्म। अभी ट्रेन आएगी 10 मिनट में यहाँ। हर स्टेशन पे तकरीबन मैंने देखा है बड़ा एक झंडा लगा होता है। विशाखा एक्सप्रेस 17:16 9:48 पे आएगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं ट्रेन का। और ये श्रीकाकुलम का बोर्ड लगा है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। दूर से देखें तो ये भैया देखो छोटू जो है वो गाड़ी को रुकवा रहा है। बहुत ही फनी मोमेंट हो रहा है, देखो ये रुकवा रहा है। और ये हमारी ट्रेन आ गई है। और ये हमारी ट्रेन आज की,
सिकंदराबाद भुवनेश्वर। चल भैया चलो। प्लासा स्टेशन आ गया है यहाँ पर। तकरीबन एक सवा घंटे का सफ़र के बाद में ये स्टेशन आया है और ये यहाँ का पूरा व्यू है। दो मिनट का स्टॉप था यहाँ पर, छोटा स्टेशन है, और वापस चल पड़ी अभी हमारी गाड़ी। ये देखिए ये प्लासा। सोनपेटा रेलवे स्टेशन, दो मिनट का स्टॉप, उसके बाद आगे फिर रवाना हो गई गाड़ी हमारी। और ये सोनपेटा का बोर्ड यहाँ पर, और ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। इच्छापुर स्टेशन आ गया है, ये लास्ट है आंध्र प्रदेश का, इसके आगे उड़ीसा में एंटर हो जाएंगे। तो ये आंध्र का लास्ट स्टेशन इच्छापुर, काफ़ी बड़ा लंबा स्टेशन है। और ये इच्छापुर से हमारा गाड़ी चल पड़ा है आगे। सिर्फ दो मिनट का स्टॉप था यहाँ पे और वापस हमारी गाड़ी रवाना। और अभी हम ब्रह्मपुर पहुँच गए हैं, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, और उड़ीसा का पहला ही स्टॉप
क्योंकि पीछे इच्छापुर जो था वो आंध्रा का लास्ट स्टॉप था, उसके बाद यहीं रुकी है। तो ये ब्रह्मपुर पहला स्टॉप उड़ीसा में, और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म, काफ़ी बड़ा स्टेशन। काफ़ी लोग यहाँ उतरने वाले हैं, गाड़ी ऐसा लगता है यहाँ खाली हो जाएगी ब्रह्मपुर में। और हम ब्रह्मपुर से चल पड़े हैं अभी, हमारी गाड़ी 10 मिनट का यहाँ स्टॉप लिया, थोड़ा बड़ा स्टॉप था यहाँ क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा बड़ा जगह है। ब्रह्मपुर उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म। यहाँ से हम वापस रवाना हो चुके हैं। और यह आया छतरपुर रेलवे स्टेशन। और ऐसे ही हमारा आज का सफ़र भुवनेश्वर का हो गया है। हम भुवनेश्वर पहुंच गए हैं अभी। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन, जस्ट अभी अराइव हुए हैं। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है। सिकंदराबाद भुवनेश्वर, इस तरह से ये हमारा आज का सफ़र भुवनेश्वर तक का इस ट्रेन के द्वारा हमने पूरा किया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।